हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सुनेंगे शिव महापुराण श्री रुद्र संहिता द्वितीय खंड का 42वां अध्याय, दक्ष का यज्ञ को पूर्ण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुनि, इस प्रकार श्री हरि मेरे देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। वे हम सबको कृपा दृष्टि से देखते हुए बोले, प्रजापति दक्ष, मैं तुम सभी पर प्रसन्न हूँ। मेरा अस्तित्व सबसे अलग है, मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन ही रहता हूँ। चार प्रकार के पुण्यात्मा मनुष्य ही मेरा भजन करते हैं। उनमें पहला आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थाती और चौथा ज्ञानी है। परंतु ज्ञानी को ही मेरा खास सानिध्य प्राप्त होता है, उसे मेरा ही स्वरूप माना जाता है। वेदों को जानने वाले परम ज्ञानी ही मेरे स्वरूप को जानकर मुझे समझ सकते हैं। जो मनुष्य कर्मों के अधीन रहते हैं, वे मेरे स्वरूप को नहीं पा सकते। इसलिए तुम ज्ञान को जानकर शुद्ध हृदय एवं बुद्धि से मेरा स्मरण कर उत्तम कर्म करो। हे दक्ष, मैं ही ब्रह्मा और विष्णु का रक्षक हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैंने ही इस संसार की सृष्टि की रचना की है, मैं ही संसार का पालन करता हूँ, मैं ही दुष्टों का नाश करने के लिए संहारक बन उनका विनाश करता हूँ। बुद्धिहीन मनुष्य जो कि सदैव सांसारिक बंधनों और मोह माया में फंसे रहते हैं, कभी भी मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते। मेरे भक्त सदैव मेरे ही स्वरूप का चिंतन और ध्यान करते हैं। हम तीनों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और रुद्रदेव एक ही हैं। जो मनुष्य हमें अलग न मानकर हमारा एक ही स्वरूप मानता है, उसे सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु जो अज्ञानी मनुष्य हम तीनों को अलग अलग मानकर हम में भेदभाव करते हैं, वे नरक के भागी होते हैं। हे प्रजापति दक्ष, यदि कोई श्री हरि का परम भक्त मेरी निंदा या आलोचना करेगा या मेरा भक्त होकर ब्रह्मा और विष्णु का अपमान करेगा, उसे निश्चय ही मेरे कोप का भागी होना पड़ेगा। तुम्हें दिए गए सभी शाप उसको लग जाएंगे। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर सभी देवताओं, ऋषि मुनियों तथा श्रेष्ठ विद्वानों को हर्ष हुआ तथा दक्ष भी प्रभु की आज्ञा मानकर अपने परिवार सहित शिवजी की भक्ति में मग्न हो गए। सब देवता भी महादेव जी का ही गुणगान करने लगे। वे शिव भक्ति में लीन हो गए और उनके भजनों का गान करने लगे। इस प्रकार जिसने जिस प्रकार से भगवान शिव की स्तुति और आराधना की, भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ऐसे ही वरदान प्रदान किए। तत्पश्चात भक्तवत्सल भगवान शंकर जी से आज्ञा लेकर प्रजापति दक्ष ने अपना यज्ञ पुनः आरंभ किया। उस यज्ञ में उन्होंने सर्वप्रथम शिव जी का भाग दिया। सब देवताओं को भी उचित भाग दिया गया। यज्ञ में उपस्थित सभी ब्राह्मणों को दक्ष ने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। महादेव जी का गुणगान करते हुए दक्ष ने यज्ञ के सभी कर्मों को भक्तिपूर्वक संपन्न किया। इस प्रकार सभी देवताओं, मुनियों और ऋत्विजों के सहयोग से दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। तत्पश्चात सभी देवताओं और ऋषि मुनियों ने महादेव जी के यश का गान किया और अपने अपने निवास की ओर चले गए। वहां उपस्थित अन्य लोगों ने भी शिव जी से आज्ञा मांगकर वहां से प्रस्थान किया। तब मैं और विष्णु जी भी शिव वंदना करते हुए अपने अपने लोक को चल दिए। दक्ष ने करुणा निधान भगवान शिव की अनेकों बार स्तुति की और शिव जी को बहुत सम्मान दिया। तब वे भी प्रसन्न होकर अपने गणों के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर चल दिए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिव जी को अपनी प्रिय पत्नी देवी सती की याद आने लगी। महादेव जी ने वहां उपस्थित गणों से उनके बारे में अनेक बातें की। वे उनको याद करके व्याकुल हो गए। हे नारद, मैंने तुम्हें सती के परम अद्भुत और दिव्य चरित्र का वर्णन सुनाया। यह कथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह उत्तम वृतांत सभी कामनाओं को अवश्य पूरा करता है। इस प्रकार इस चरित्र को पढ़ने व सुनने वाला ज्ञानी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उसे यश, स्वर्ग और आयु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति भाव से इस कथा को पढ़ता है, उसे अपने सभी सत्कर्मों के फलों का प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।